हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ तफजुल हुसैन और आप लोग देख रहे हो टीएल गैलरी। दोस्तों आज के ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाऊंगा और बहुत कुछ बताऊंगा भी, इसलिए आप लोग एंड तक इस वीडियो तक जुड़े रहना। दोस्तों सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग ने मैं एक वीडियो 20 तारीख में शेयर किया, उस वीडियो में आप लोग तो व्हाट्स ही नहीं किया या कमेंट भी नहीं किया, क्योंकि उस कमेंट का ऊपर आप लोग का कुछ फ़ायदा है, यानी मेरा भी फ़ायदा है, वॉच टाइम बढ़ जाएगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ता है और वीडियो वायरल होने का चांस रहता है आप लोग अगर फुल वॉच करो तो। मेरा गलती क्या था, उस वीडियो ज़्यादा लंबी कर दी, मतलब 17 मिनट कुछ सेकंड कर दिया। ऐसा नहीं करूँगा दोबारा यार, जितना हो सके मैं कोशिश करके छोटा ही करके अपलोड करूँगा। तो उस वीडियो में जाके आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट पे 1 तारीख पे आप लोग को गिव अवे मिलेगा, ठीक है ना, गिव अवे मिल जाएगा, 399 रिचार्ज पक्का किसी एक बंदा को मिलेगा। गया महीना तो बहुत सारा कमेंट आया, इस महीना तो कुछ भी कमेंट नहीं आया, पता नहीं। तो दोस्तों ये मार्केट में ये सब लेने आया हूँ, देखिए ये बहुत महंगा है। कुछ 2 साल 3 साल पहले मैंने ख़रीदा 79 में, अभी 139 हो चुका है। बहुत कुछ लेने के लिए आया हूँ मार्केट पर, ज़्यादा कुछ नहीं ले पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके भाग जाता हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। देखो ये है यहाँ पे, बहुत बहुत महंगा है। मैं जायनमाज लेना चाहता हूँ और एक ब्लैंकेट लेना चाहता हूँ, महीना का लास्ट है, कुछ पैसा भी कमी होता है ना महीना का लास्ट में। तो देखो ये जायनमाज जो है ना, नमाज पढ़ने का, वो मैं पहले एक बार 5 पीस लेके गया था, तो 5 पीस में लोगों को खुश नहीं कर पाऊँगा पाया यार, बहुत लोग नाराज़ हो। देखो 70 रियाल हो गया यार, कैसे ले पाऊँगा बताओ, 70 रियाल इंडिया का 1300 रुपया हो जाएगा। अभी 2-4 लेके जाऊँगा फिर कुछ लोग बुरा मानेगा। हाँ एक एक का दाम मान लो 1300-1400, अगर ये मैंने 10 या 5 ले लूँ तो कितना जा रहा है, देखो 7000-8000 रुपया, लेकिन यही सामान इंडिया में मिल जाएगा 400-500 में। सो देखो दोस्तों, कंबल के बारे में बात कहना चाहता हूँ, 162 रियाल का कंबल अभी लगाया 99 में, तकरीबन 63 रियाल सस्ते में दिया है, डिस्काउंट में दिया है। ओरिजिनल वेरियर क्या है वो देखो, चाइनीज ही माल है वो, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा से, मैंने देखा था, उतना ज़्यादा से तो देख नहीं पाता हूँ, सीसी कैमरा रहता है और ये सब बुरा है, सिक्योरिटी लोग बुरा मानता है, ठीक है, इसलिए मैं अच्छा से नहीं देख पाया, जितना हो सके मैं कोशिश कर दिया, बहुत जोर जोर से खींचा हूँ, कैमरा पर नहीं आया, मतलब मैं टच कर लिया दोनों हाथ से भी, तब अच्छा लगा। ये ब्लैंकेट मुझे पसंद आया, कंबल और सॉफ्ट है, आप लोग देखिए मैं दिखा रहा हूँ। सो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, जो मैंने आप सबको शेयर करना चाहता हूँ, सामान लेना, इंडिया में भी ऐसा सामान है, गुवाहाटी में भी है, दिल्ली मुंबई हर बड़े बड़े सिटी में है। सो वहीं से ये मेड इन चाइना का ओरिजिनल सामान ले सकते हो, यहाँ पे इतना दूर से हम लोग लेके जाता हूँ, बहुत सारे लोग दोस्त लोग लेके जाते हैं सही, लेकिन घर लेने के बाद 2-1 साल बाद कंप्लेन आ जाता है, क्या सामान लिया, किसी को कुछ नहीं कर पाया, देता है तो 70-80 रियाल करके, कितना भाई महंगा दे देगा। अगर यहाँ कुछ ज़्यादा महंगा लेना चाहे तो 350 रियाल लगेगा एक एक कंबल में, क्योंकि स्पेनिश इटालियन वो सब महंगा है, बहुत महंगा आता है, 350-400-550 तक है। तो ये सब हम लोग का बस की बात नहीं है, हम लोग भाई विदेश में आया हो कमाने के लिए, खर्चा करने के लिए, लेकिन सऊदी लोग जो है ना, इन लोग का ऐसा ले सकते हैं, इन लोग के लिए 400-500 रियाल बड़ी बात नहीं। तो ये भी देखो भाई ने मुझे दिखा रहा है, ठीक है, उन्होंने बात कर रहा है जो यही अच्छा है, उन्होंने घर में भी भेजा है, ये मिस्र का होगा बंदा, और वो घर में भी भेजा, कसम खा के बोल रहा है बहुत अच्छा है, यूज़ कर रहा है। 8 किलो का पहले लिया था तो घर से प्रॉब्लम आया, जो बहुत भार होता है, तो मैंने इसको इससे बात किया है, लोन यानी कलर का बात भी किया है, मुझे दूसरा कलर भी चाहिए, मैं उसको भी बोला, मैं 250-300 लेने का मकसद था, लेकिन नहीं मिला यार, मार्केट में बहुत ढूंढा था, नहीं मिला मुझे, बहुत ढूंढा मैंने 2-3 मार्केट, लेकिन जाना पड़ेगा बाथा मार्केट में, तो भारत बाथा जाने का मेरा टाइम नहीं है, ड्यूटी भी लग चुका है, ड्यूटी का बीच बीच में मैं मार्केट कर रहा हूँ, कुछ सामान में कुरियर करना है घर में, कार्गो करना है कुछ सामान, क्योंकि मैं जनवरी का फर्स्ट मैंने जब गया था तब मेरा माँ का तबीयत बहुत बुरा हालत था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आप लोग ये वीडियो बात देखो, बात भी कह रहा हूँ उन बंदों से,
ठीक है, ये देखो 99 है, लेकिन ये सही नहीं है, डुप्लीकेट है भाई। और मैं दूसरा मार्केट का भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए ऐसे, हमको हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखो ये 4.5 किलो का 99 है, 4.5 किलो। ये खोल के मैं देखा हूँ, ये निकाल देता। अभी दूसरा मार्केट में आते हैं, उस मार्केट का देखो यही है 349 है, ब्लैंकेट का दाम है 349, यानी इंडिया का सोच लो 6,500, 6,500 से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। तो ये कंबल भी देख लो भाई, मैं छोटा करके, दूसरा मार्केट का है, इस मार्केट का नाम मैं नहीं बता सकूंगा। मैं यही कंबल लेने गया था 350 करके, पागल की तरह मैं गया था, लेकिन लास्ट में जाके ये सब हालत देख करके मुझे पसंद नहीं आया। एक लड़का बोला स्पेंस का लगाया, 550 रियाल का सामान है, तो तुम 350 में लगाया, 200 रियाल डिस्काउंट में। चलो तीसरे मार्केट में चलते हैं, तीसरे मार्केट में गया हूँ। देखो ये मार्केट का भी नाम नहीं बता सकूँगा क्योंकि मैं सामान नहीं खरीदा लेकिन खींच लिया, वो तो सही नहीं है, कोई दूसरा बंदा कभी हो सकता है ना, तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह जो हम लोग अजनबी लोग हैं, टेस्ट करके लेके जाऊँ, क्योंकि गालू खाना है, वरना नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि खुश नहीं कर पाओगे। 2-1 साल बाद बोलेगा यही क्या लाया है, असली सामान नहीं लाया। असली सामान लेने के लिए तो आप 4-5 हज़ार एक एक कंबल में दो दोगे तो 3-4 कंबल ले सकोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार का कंबल। और लेना लेके जाना कितना मुश्किल होता है, जैसे मैं कार्गो करना चाहता हूँ, देखो कितना माल हो रहा है मेरा, खुद का परेशानी होने लगा हूँ, कितना माल हो गया है। और मैं मतलब जनवरी में जब गया, मैं परेशानी में गया, तब मैंने अच्छा से माल सामान खरीद करके या कुछ सामान छोड़ के भी चला गया, खाना पीना भी अच्छा से नहीं खाया। ये देखो ये सामान अच्छा है भाई, ये अच्छा लगा क्योंकि बहुत महंगा 175 है, ये महंगा है, ये सामान अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं सॉफ्टवेयर देखा हूँ, मस्त लगा। तब मैंने बहुत परेशानी से गया भाई, रात में मैं निकला, जब तब खाना भी नहीं खाया, मेरे एक दोस्त ने मेरा रूम तक खाना लाया, लेकिन खाने का वो दिमाग नहीं सोच रहा, इससे सामान मैं चला गया था। तो मेरा बच्चा का एक साइकिल है, वो साइकिल के लिए मैं कुरियर करना पड़ा, बेचारे हमेशा देखते रहता है वीडियो कॉल में, पापा मुझे साइकिल दिखाओ और कब भेजोगे, कब आओगे। तो मैं रमजान जाना जाऊँगा या ना जाऊँगा, जाने का टाइम बहुत बढ़ भी जाता है, आया हूँ करोना का पहले, फिर जाना रमज़ान में क्या जाऊं या ना जाऊं, मूड सही नहीं है। अगर जाना भी है तब भी सामान बहुत है, इसीलिए मैं सोचा कुछ सामान, पानी वगैरह, खजूर, अजवा खजूर, पानी वगैरह, कुछ सामान बच्चों के लिए, कुछ इधर उधर सामान, मतलब बहुत कुछ हो गया है। सो ये भेजने के लिए दिखा दिया आप सबको, कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा एक लाइक कीजिएगा। सामान लेने का टाइम होशियार हो जाइए दोस्तों, ठीक है, कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय आया खाम।